नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पाल का सुर सपा में शामिल होते ही बदल गया। उन्होंने एक तरफ जहां अखिलेश यादव की तुलना कृष्ण से की, वहीं बसपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि बसपा भाईचारा के लिए जानी जाती थी, लेकिन चारा बिक गया और भाई लोगों ने खरीद लिया। बसपा में अब न तो कांसीराम का सिद्धांत चलता है और न ही अम्बेडकर के मिशन से बसपा मुखिया का कोई लेना देना है। सपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के लोग देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। जब आप किसी से लोगे तो देने वाला आपसे अपेक्षा करेगा, इसलिए अपने वोट को मत बेचो। आज वोट खरीदे जा रहे हैं, सरकारें वोटरों को खरीद रही हैं। गरीब, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। गीता और रामचरितमानस में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अत्याचार बढ़ता है तो कोई जन्म लेता है और अत्याचार का अंत कर धर्म की स्थापना करता है। जैसे महाभारत काल में कृष्ण का जन्म हुआ था, अखिलेश यादव का जन्म भी इसीलिए हुआ। अखिलेश यादव सर्व समाज की सहयोग से अन्याय अत्याचार को समाप्त करेंगे। इस समाज के दबे कुछ के लोगों, पिछड़ी जातियों के लोगों, देने वाला बनो, लेने वाला मत बनो। जब तुम लेने वाला बनोगे तो देने वाला देगा तो आपसे अपेक्षा करेगा। वोट मत बेचना, लेकिन आज वोट खरीदा जा रहा है। सरकार खरीद रही, वर्तमान सरकार तो खत खरीद रही, जा रहा। सही होटल बिक रहा है। देखिए, जब जब इस अत्याचार अन्याय हुआ है, गीता में भी कृष्ण लिखा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतम्। तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब जब अन्याय अत्याचार होता है तब तक कोई कोई पैदा हो जाता है और उस अन्याय अत्याचार को खत्म करता है। उसी में अखिलेश यादव पैदा हुए हैं और अन्याय अत्याचार अन्याय के खिलाफ जंग के नुमाइंदे हैं। हम उनके फॉलोअर्स हैं। मेरी उम्र तो 80 वर्ष की हो गई, लेकिन असली सिपाही वही है, इसलिए हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाया जाएगा और इस जंग को लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने कांसीराम की नीतियों से प्रभावित होकर बसपा का साथ चुना। उस समय पार्टी का एक मिशन था अन्याय के खिलाफ लड़ना और भाईचारे को कायम करना। आज चारा बिक रहा है और भाई लोग खरीद रहे हैं। अब बसपा में उन्हें उबन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव का साथ चुना। बसपा में बोलने की आज़ादी किसी को नहीं, बस एक ही बोल सकता है, चाहे वह सही हो अथवा गलत हो। सपा में जब से आया हूँ बोल रहा हूँ, अन्याय के खिलाफ जो लड़ेगा उसकी जीत होगी। हमने अखिलेश से कहा कि आप गांडी उठाएं, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी में था मैं, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी की नीत में भूल गया था। मेरी जिंदगी, मैंने प्रण किया था कि नहीं छोड़ूंगा। नीला झंडा सबका प्यार और मोहब्बत बांटता है, भाईचारा बनाता है, लेकिन खत्म हो गया ना। भाईचारा रह गया, चारा दूसरों को ले गया और भाई जो है चारा में बिक गए, खत्म हो गया मामला। और हम लोग असहाय हो गए, नेता हमारा चले गए, कोई दिखाई नहीं देता था मुझको। अखिलेश यादव महाभारत की जंग का एक अर्जुन दिखाई दे रहा है और इसीलिए कहा मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके अखिलेश के दिशा निर्देश पर, अखिलेश के कहने से, उनके विचारों से मैं ये हो करके सपा ज्वाइन कर लिया हूँ। अंतर ही रहा है कि सपा में बोल रहा हूँ, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी। अब एक ही बोलने वाला, चाहे जैसे ही बोले अच्छे रहे करें। यहाँ जब से हमारे तब से आप देख रहे हैं, टीवी पर रोज बोल रहा हूँ, रोज आ रहा है, रोज देख रहे हैं हम। ये डिफरेंसेस है और कुछ कहा है। और इसी कह रहा हूँ कि भाई एक ऐसा समाज बने। अखिलेश जी को हम नेता माना है, हमने कहा कि आप गांडे उठाइए, लड़ाई लड़ेगा या लड़ा जाएगा, जीत तो अवश्य होगी। अन्य अत्याचार के खिलाफ जो भी लड़ेगा उसकी जीत अवश्य होगी, चाहे आज हो चाहे कल।
बता दें कि मूल रूप से आजमगढ़ मंडल के मऊ जनपद के सिंहपुर पिलमऊ के रहने वाले दयाराम पाल बसपा के संस्थापक सदस्यों में से हैं। वर्ष 1984 में वह बसपा के गठन के समय आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में वकालत छोड़ बसपा में शामिल हुए थे। वर्ष 1997 में उन्हें बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उन्हें MLC भी बनाया गया। वर्ष 2007 में यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मायावती द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उन्हें पार्टी छोड़ने से बसपा को बड़ी क्षति मानी जा रही है।